और इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, बिहार से है। बिहार में मुजफ्फरपुर के आई हॉस्पिटल के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है। 65 लोगों के मोतियाबिंद के ऑपरेशन में लापरवाही का इल्जाम लगा है। अब तक इन्फेक्शन की वजह से 19 मरीजों की आंख निकालनी पड़ी है। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। जी सलाम ने इस खबर को तर्जे के साथ दिखाया था। 30 नवंबर का ये मामला है जब जी सलाम ने सबसे पहले इस खबर को ब्रेक किया था और पूरी तर्जी के साथ तवज्जो के साथ इस खबर को दिखाया था, जिसका असर अब हुआ है। आई हॉस्पिटल मुजफ्फरपुर के खिलाफ एफआईआर दर्ज हुई है। अस्पताल को बंद कर दिया गया है। 65 लोगों का मोतियाबिंद का ऑपरेशन किया गया था, जिसमें 19 लोगों की आंखों की रोशनी चली गई, उनकी आंख निकालनी पड़ी। इतना खतरनाक इन्फेक्शन हुआ। कमेटी तश्कील दे दी गई है। कमेटी जांच करेगी। जो कसूरवार लोग हैं उनके खिलाफ मामला दर्ज किया जाएगा। फिलहाल हॉस्पिटल के खिलाफ एफआईआर दर्ज हो गई है। तो 30 नवंबर का ये पूरा मामला है। जी सलाम ने मुजफ्फरपुर के आई हॉस्पिटल की लापरवाही की खबर को सबसे पहले ब्रेक किया था और इस खबर को तवज्जो के साथ दिखाया था, जिसका असर हुआ, इंपैक्ट पड़ा है। आई हॉस्पिटल मुजफ्फरपुर के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर ली गई है। हॉस्पिटल को बंद कर दिया गया है। इसके साथ ही जो लोग कसूरवार हैं उनके खिलाफ जांच होगी। कमेटी तश्कील दी जाएगी, इस बात का भी ऐलान हुआ है। साथ ही साथ आपको बता दें कि 65 लोगों का यहां मोतियाबिंद का ऑपरेशन हुआ था। कैंप लगाकर इन लोगों को बुलाया गया था और फिर ऑपरेशन किया गया मोतियाबिंद का, लेकिन इसमें से 19 लोगों को इतना ज्यादा इन्फेक्शन हुआ कि उनकी आंख निकालनी पड़ी। अभी बोला जा रहा है जो आंख आपका डेड कर गया, इस आंख को निकलवा देने में ही फायदा नहीं, तो इन्फेक्शन लग जाएगा, ये भी यहाँ खराब हो जाएगा। हम यहाँ पर आए हुए हैं, 22 तारीख को आँख का ऑपरेशन करवाए थे। रात में माथा में तेज दर्द हुआ, उसके बाद इंजेक्शन लगाया। मंगलवार को नाम 23 तारीख का नाम काट लिया गया। वहाँ जाने के बाद नींद नहीं हुआ, दर्द हुआ। फिर बुधवार को हम लोग आए थे। ये लोग बहला फुसलाकर हम लोग को पटना ले गए। पटना ले जाने के बाद डॉक्टर से अकेले में मिले, साथ में उमा शंकर जी हॉस्पिटल के स्टाफ गए हुए थे। हम लोग बार बार पूछे जो क्या कहे, तो कहे जो नहीं ठीक हो जाएगा, दवाई देकर रात में हम लोग को ले आए। उसके बाद दवाई चलता रहा। आज आए हैं फिर दिखाने के लिए, तो बोल रहे जी आँख खराब हो गया। उस दिन अगर बोलते कि जो नहीं होगा, जाके प्राइवेट से मिलिए, तो हम लोग जाके प्राइवेट से मिले। आज बोल रहे हैं जो केस कीजिएगा, मुकदमा कीजिएगा, कुछ नहीं सुनेगा, कुछ नहीं चलेगा। सोमवार को ऑपरेशन हुआ, करीब 1 बजे हमको ऑपरेशन हुआ है। ऑपरेशन होने के बाद बाहर निकालने के बाद हमको दर्द देने लगा। और एक और बड़ी खबर इससे मुतालिक आपको बता देते हैं। मुजफ्फरपुर मामले पर एक्शन में हुकूमत नजर आ रही है। आज 12:30 बजे IGIMS पटना में इलाज होगा। मुजफ्फरपुर में 65 मरीजों की आंख की रोशनी जाने वाले मरीजों का यहां इलाज होगा। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां मुजफ्फरपुर मामले पर एक्शन में हुकूमत नजर आ रही है। 12:30 बजे IGIMS पटना में इलाज करवाया जाएगा उन लोगों का, जिन 65 लोगों का मोतियाबिंद का ऑपरेशन हुआ था और 19 लोगों की आंखों की रोशनी चली गई, उनकी आंख निकालनी पड़ी। इसके साथ ही जिन लोगों को इन्फेक्शन की शिकायतें आ रही है, उनका भी इलाज कराया जाएगा। देश दुनिया के वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें जी सलाम। लेटेस्ट नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन दबाना ना भूलें।